खून आने लगा नाक से। हमने हमारे घर के लिए, हमारा नया कोजी घर के लिए सब कुछ ढूंढ लिया। सो हेलो, सत श्री अकाल, कैसे हैं तुम्हें? ये व्लॉग किधर से स्टार्ट हुआ मुझे पता नहीं, आप लोग किधर से देखोगे, बट बेसिकली मैं और नीता ऐसे मस्ती कर रहे थे, ऐसे कुछ भी ऐसे खेल रहे थे, प्ले फाइटिंग, एंड वो प्ले फाइटिंग में थोड़ा खून आने लगा उसका। बुगली, तू सबको बता क्या हुआ? खून आने लगा नाक से। एक तो ना मस्ती मस्ती में हम खेल रहे थे, बट बुगली मैंने जानबूझ कर नहीं मारा, हाँ? तू मेरे गोड़े में खुद आई, हाँ? बुगली I'm really sorry, देखो खून आने लगा। बुगली I'm really, वो क्या हुआ ना, इसने खुद ही फेस फेंका मेरे पे। You okay? हाँ? बेबी किसने बोला था से खेलने के लिए? वही, let me see the blood, let me bring some tissue here, water for you. एंड वो ऐसे हो जाता है, बहुत मस्ती करते हैं हम ऐसे घर पे। एंड अभी हम जा रहे हैं आईकिया, सो आप जस्ट गॉट रेडी एंड थोड़ा इंटीरियर देखेंगे, बिकॉज वी आर लुकिंग एंड थिंकिंग ऑफ चेंजिंग ऑफ फॉर डेकोरेटिंग द हाउस एंड चेंजिंग ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस और इवन गेटिंग अनदर प्लेस। सो यस, आई विल रिकॉर्ड अ फ्यू मोर थिंग्स एंड शो यू गाइस व्हाट हैपेंस टुडे। सो यस, सॉरी हम भूल गए व्लॉग करना। एक्चुअली मेरी गाड़ी में हमें डीजल भी भरना था एंड चिन्ना ड्राइव कर रहा है तो थोड़ा उसको डिक्की वो ये लॉक वाला उधर देख, उधर अनलॉक गया है इसको, वो गाड़ी यहाँ पे चला रहा है, यहाँ की थोड़ी सेटिंग अलग है, उसको थोड़ा बताना पड़ता है। अभी खोला ना, अभी ओके तो खुला। और फिर कैसे लगता है गाड़ी चला के? अच्छा लग रहा है, getting used to it now, slowly, slowly. Yes, तो अभी इसका लर्निंग लाइसेंस तो मिल चुका है हमें और अभी इसको पक्का लाइसेंस मिलेगा तो उस लाइसेंस पे गाड़ी यहाँ पे चला सकता है, तो कोई बात नहीं। और मम्मी को आना था आईकिया तो चिन्ना ने और हमने बोला कि चलते हैं ये हमारे ड्राइवर के साथ आज ऐसे मम्मी का कैसा साल होता था? मस्त साल होता है। मेरे मम्मी को ना चिन्ना का कुछ भी हो अच्छा ही लगता है, गलत भी हो तो भी अच्छा ही लगता है। और चिन्ना फेवरेट ऋतु बुगली, ओके यहाँ से जाने में भूल गए मुझे लगा हमेशा। ओके तो हम लोग अभी मतलब पहुंच रहे हैं। इधर तो प्रॉपर शूट होता है, इधर शूट होता है, इधर बहुत बड़ा है ये। ऑटोमेटिक वाला भी है। ओह वाव, जा बहुत बढ़िया बनाया इन्होंने। ऐसा कॉफी वाला ड्रिंक है वो, कॉफी वाला ड्रिंक। बुगली देख, घर पे भी तो ऐसा काम करना चाहिए तुम्हें। घर क्या, हम अभी डेकोरेशन हम हमारे घर के लिए ही ढूंढ रहे हैं। इधर हमको खुद को गर्म करना पड़ता है ना नीता, मतलब ये तो गर्म ही रहता है बट फिर भी थोड़ा अगर हमें चाहिए तो हम कर सकते हैं। ओके भाई, एक्चुअली मैं सच बोलूं ये आईकिया इतना अच्छा है, कितना बड़ा बनाया है, वेरी स्पेशियस। इतना बड़ा तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड में भी आईकिया नहीं है। बहुत मस्त बनाया है, अलग ही एक रेस्टोरेंट का साइड है एंड सीटिंग एरिया भी कितना बड़ा है। पहले तुम्हें हमेशा बोलती थी ना ये मस्त है, मैं तुम्हें लेके आऊंगी लेके आऊंगी। नीता हमेशा आईकिया आती है, नीता मुझे लग रहा है डेकोरेशन प्लेस एंड इसको आइडिया भी इधर से ही मिलते हैं कि बेडरूम के लिए, बाथरूम के लिए कैसे डेकोरेशन करना है। नीता ऑल योर आइडियाज आर फ्रॉम आईकिया, इस वजह से तो हम नया घर ले रहे हैं। हो ही नहीं सकता, ऋतुजा तेरे लिए बेबी चेयर है, छोटे बच्चे के लिए। अब
सो अभी हमने हमारे घर के लिए, हमारा नया कोजी घर के लिए सब कुछ ढूंढ लिया है. ढूंढ तो लिया है पर अभी देखते हैं कैसा क्या लेना है, क्या करना है. ठीक है, थोड़ी बताएंगे. सीक्रेट. और ये जो म्यूजिक चल रहा है इससे कॉपीराइट आया तो कोई बात नहीं, अभी बातें कर रहे ना उसमें क्या है. बट सोफा आपको कौन सा सोफा अच्छा लग रहा है, रेड वाला, ग्रे वाला, ब्लू वाला, जरा पीछे या नहीं, ग्रीन वाला ज्यादा अच्छा है. कितने ग्रीन वाला? कितने हम लोग सब सामान अभी देख रहे हैं ना, पर पहले चलो. ऋतुजा नीता बहुत सिर खांदी है ना. इतना घुमाया इसने हमें. वाव एस्थेटिक वर्क्स. शीना मस्ताना. नीता फोटोग्राफी ड्रेडफुल. So now we have bought a 6-piece patila, blue one. हर टाइम मैं फ्लावर्स लेके जाती हूँ ये वाले घर पे, पर मुझे अच्छा लगता है कि एक महीने में जाते हैं बुरा लगता है, पर इस टाइम मैं रखूंगी बेडरूम में. और मैं कल बनाने वाली हूँ चिकन. देखते और मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ उसका. एक दिन के लिए एक नया. अच्छी बात है ना, मैं मेरे मम्मी को लेके दे रही हूँ. मेरे मम्मी को हमेशा से एक मस्त किचन चाहिए और मैं मेरे मम्मी को इस साल में वो मस्त किचन दूंगी बना के. हुंदिया गल्ला. और अभी तो मैं मेरा घर का अभी भी बना सकती हूँ, ऐसे नहीं कि नहीं, पर क्या है ना मेरा घर ऑलरेडी लिया हुआ है, मतलब जो पहले पापा ने दिया था वही है, उसमें जितना मैं डेकोर कर सकी मैंने किया. बट नया घर मुझे चाहिए उसमें जो मैं प्रॉपर इंटीरियर करूँ. और मेरी मम्मी वो किचन देख के बहुत खुश हुई, उसका एक ड्रीम पूरा हो गया, फिर मैं शादी करूँ. और मैं खुद इधर आईकिया में इतना कभी घूमा नहीं हूँ, बट नया एक्सपीरियंस है अलग चीजें देखने के लिए. नीता के साथ ये भी सीख रहा हूँ कि इंटीरियर एंड सब. वैसे तो डैड हम उधर प्रॉपर्टी बिजनेस बहुत करते हैं, सो घरों का काम तो मुझे पता है कौन सी चीज कौन सी वैल्यू में होनी चाहिए. ये बात पे भी मेरा और नीता का झगड़ा होता है कि वो बोलती है जितने में है उतने में लेते हैं. मैं बोलता हूँ कि अगर ये चीज डिस्काउंट में मिलती है, क्योंकि हमें पता है कि जब घर बनाते तो उसमें कितने पैसे में हर एक चीज बननी चाहिए. अगर ऐसे ही सब चीजें खरीदने लगे तो फिर बाद में उसका वैल्यू नहीं पड़ता है, प्रॉफिट नहीं बनता है. सो आई थिंक विद अ बिजनेस माइंड शी थिंक्स विद अ नॉर्मल माइंड, अ बिट ऑफ अ क्रेजी माइंड, बट दैट्स व्हाट आई लाइक. आई थिंक स्मॉल लिटिल मोमेंट्स इन अ रिलेशनशिप ऐसे तो होता ही रहता है. चीजों का रेट ना यहाँ पे एकदम फालतू लगाया है, क्योंकि जो बर्थ ही नहीं है. सच में जिसको नहीं देखना, मैं इस चीज में मैं देखूंगी, जो बाकी चीजों में तो मैं नहीं देखती. पर ये तो कपड़ा भी वैसा नहीं है कि उसके लिए हम लोग 2200 रुपीज दे. अगर थोड़ा ठीक होता तो समझ सकते हैं. ये तो ऐसा है कि जैसे दुपट्टे का भी इतना ट्रांसपेरेंट है, धूप भी अंदर आएगी ना कुछ है, पर मेरे इंटीरियर से जा रहा था बेडरूम वाले. हाँ हाँ दे 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 दे.